हेलो गाइस, वेल्कम टू चैनल। माय सेल्फ आशीष फ्रॉम SMS जयपुर। और गाइस, अब अपन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ब्लड, मतलब वैसे अपन चालू करेंगे ब्लड फिजियोलॉजी, ठीक है। और इस वीडियो में अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ब्लड, क्योंकि बहुत ही बेसिक वीडियो रहने वाली है। और 2021 बैच का स्वागत है, ठीक है, मेरे चैनल पे। और ये चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। जनरली हर जगह कॉलेज में ये चालू होता है ये चैप्टर, ये नर्व मसल, ये रीनल। तो मैंने सोचा अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम ब्लड फिजियोलॉजी यूनिट चालू करेंगे। और सबसे पहली वीडियो रहेगी इंट्रोडक्शन टू ब्लड, काफी बेसिक वीडियो रहेगी, ठीक है। बिल्कुल चिल करके बैठोगे, ठीक है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना, बिल्कुल नॉर्मल रहना, बिल्कुल हंसते हंसते पढ़ना, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा, वैसे भी आपको हंसते हंसते पढ़ाई होगी, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा पूरी ब्लड फिजियोलॉजी कब खत्म हो गई, ठीक है। ये मैं तो कह रहा हूँ पूरा फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी निकल जाएगी, आपको पता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग एनाटॉमी से परेशान रहोगे, वो भी अगर मैं पढ़ाता तो नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो होगा विपल्स एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है, ठीक है ना, मैंने कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में इसको देखा नहीं है, बट आ सकता है, ठीक है। कोई बेसिक सा या तो कोई MCQ टाइप तो पूछ ही सकता है टीचर, ठीक है ना। या जब ज्यादा ही आंसर दोगे तब जाके वो टीचर ये पूछेगा, ठीक है। तो ये देख लेंगे। और ओरिएंटेशन क्या रहेगा वीडियो के अंदर, पहले ब्लड और उसके फंक्शन देखेंगे, फिर ब्लड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहते हैं, प्लाज्मा फ्रेसिस, एंड लास्ट में विपल्स एक्सपेरिमेंट रहेगा। इस ओरिएंटेशन में अपन पढ़ने वाले इस चीज को, काफी बेसिक सी बात है, स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ब्लड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फंक्शनली भी, फिजियोलॉजिकली भी और पैथोलॉजिकली भी, हर चीज़ में ब्लड का रोल बहुत बड़ा रहता है, ठीक है ना। ब्लड हर जगह वर्क करता ही है, कहीं ना कहीं ब्लड बीच में आता ही है, ठीक है। तो ये जो ब्लड है ना, देखा जाए तो अगर कुछ फैक्चुअल डेटा पे बात करें, ठीक है, वो है 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट रहेगा ब्लड अपना। और दूसरी बात, 5 लीटर एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन में होता है, ठीक है। 5 लीटर, 5 लीटर वाला कॉन्सेप्ट आप वहां भी देखते हो, जैसे कि कार्डियक आउटपुट कितना रहता है 5 लीटर, तो एक्चुअली हार्ट पूरा ब्लड पंप कर रहा है, तो वैसे भी आप मतलब रिलेट कर सकते हो कि 5 लीटर ब्लड रहता है, ठीक है। फंक्शन अगर ब्लड के देखे जाए तो बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो आप एक एक करके खुद बताते जाओ। चलो, सबसे मेन फंक्शन जो रहता है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। देखते हैं इसका ये ट्रांसपोर्ट फंक्शन रहेगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम टिश्यूज, ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम टिश्यूज, pH को मेंटेन करना, ठीक है। ऐसे बेसिक बेसिक से फंक्शन है, बहुत बेसिक वीडियो चलने वाली है। थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, ठीक है, कि बॉडी में होम्योस्टेसिस रहे, बॉडी का थर्मल बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। इम्यूनिटी, बॉडी के अंदर अगर जो इम्यूनिटी मैकेनिज्म, इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म जो प्रोवाइड करता है वो अपना ब्लड ही है, ठीक है। और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट करना हॉर्मोन्स को, और क्लॉटिंग, जो क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी ब्लड में ही अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली ये सब रोल रहता है ब्लड का। और ब्लड के अगर कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, ठीक है, तो वो है, अगर ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो मेजरली आप खुद जानते हो, आप लोग नीट में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। 4 मेजर रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। क्या क्या, RBC, जो ले एक बेसिक लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो ये 4 मेनली अपने ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं। और अगर टेक्निकल नेम्स लिखा जाए तो आजकल अब आप लोग MBBS में आ गए हो तो आप नीट वाले नाम ही नहीं बोलोगे, अब ये बोलोगे एरिथ्रोसाइट्स। हालांकि नीट में भी ये पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादातर यही सुनने को मिलेगा, ये वर्ड्स बहुत कम लोग यूज करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लाज्मा को तो प्लाज्मा ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेजरली ये इसके अलग नेम्स है। अब छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देता रहेंगे यार, जिससे क्या मतलब एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन अपना अच्छा सा रहे, जिससे मैं मतलब अच्छे से पढ़ा सकूं, क्योंकि यार अगर बेसिक सही रहते हैं ना तो मेरे को आगे पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप लोग को बार बार एक ही चीज बतानी पड़ेगी। तो बेसिकली यार आप समझ गए होंगे कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जिसके अंदर अलग अलग सेल्यूलर कंपोनेंट्स है, कुछ मैट्रिक्स है, ठीक है ना, RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, तो इस तरह की चीजें हैं। और अगर RBC के लेवल पे बात करें तो ये अन्यूक्लियाई होता है, और एक और चीज जो है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता वो है प्लेटलेट्स, ये भी अन्यूक्लियाई होता है, मतलब विदाउट न्यूक्लियस है, ठीक है। और अगर अपन देखा जाए तो अगर आपको पता होगा, ये भी अपन पढ़ते ही है, कि जो प्लाज्मा है वो 55% ब्लड एवरेज, 55% ब्लड वॉल्यूम बनाता है, और जो बाकी का आधा हिस्सा रहता है वो RBC बनाता है। कहने का मतलब ये और प्लेटलेट्स, WBC और प्लेटलेट्स काफी कम होते हैं, मतलब काफी कम अमाउंट में होते हैं, नंबर्स में होते हैं यहाँ तक के, ठीक है, और ये परसेंटेज में होते हैं, तो आप समझ सकते हो इनका नंबर्स बहुत ज्यादा है, दोनों ऑलमोस्ट हाफ हाफ बनाते हैं, ठीक है। एक जो चीज ध्यान रखोगे कि यार मतलब अपन कहते हैं कि ब्लड रेड है, तो एक्चुअली रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू RBC नहीं बोलना है, इज ड्यू टू ऑक्सीजनेटेड RBC, ध्यान रखेंगे इन बातों को।
ये ऐसी छोटी छोटी बातें मेरे चैनल पे मिलती है आपको, जिससे मतलब आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड आरबीसी की वजह से अपना जो रेड कलर ऑफ ब्लड रहता है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी क्या ही बताया अब आपको, सब पता ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डब्ल्यूबीसी का नाम सुन के पता पड़ता है, ये काय में यूज़ होता है, इम्यून रिस्पॉन्स में। तो जो इम्यून फंक्शंस होते हैं, जो इम्यून इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होता है वहाँ पे, वो अपना आता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और ये सिर्फ ब्लड में ही नहीं, अलग अलग जगह भी मिलता है, मतलब आउटसाइड द ब्लड में मिलेगा, जैसे कि कहाँ का, जहाँ जहाँ अपन वो रहता है अपना लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे कि सॉरी गाइस बहुत तेज हवा चल रही है तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मतलब सिर्फ ब्लड में नहीं रहता, आउटसाइड ब्लड भी रहता है, जैसे कुछ लिम्फोइड ऑर्गन हो गए, स्प्लीन, ठीक है, लिम्फ नोड्स, और लिवर में भी आपको डब्ल्यूबीसी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आउटसाइड द ब्लड भी ये अवेलेबल रहता है। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो इसका मेजर रोल क्या रहता है बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉप्स ब्लीडिंग। बहुत ही कॉमन शब्दों में बात चल रही है अपनी, ठीक है ना। इंट्रोडक्टरी वीडियो में बहुत रिलैक्स रहकर अपन देखेंगे, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना, ठीक है ना, ब्लड कोएगुलेशन में मतलब रोल प्ले करना है एक इसका, ठीक है। तो ये सब प्लेटलेट्स का रोल रहता है। और प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब को हटा दे तो जो बचता है वो होता है प्लाज्मा। कहने का मतलब ये कि एक सेल फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स नहीं है, सेल फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स है। अच्छा, एक बात जो अब कोई भी पूछेगा ना, भाई प्लाज्मा की डेफिनेशन बताओ, तो आप लोग कभी भी ये डेफिनेशन नहीं देंगे, मतलब ये देंगे ये इनकम्प्लीट है। एक्चुअली टेक्निकली अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, एज पर द गाइडन, सेल फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड, मतलब अपन को सेल फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स तो कब मिलेगा, ऑब्टेन्ड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो अपन को मिल रहा है, क्योंकि सेल्स हट जाएंगे, तो वो है प्लाज्मा। कहने का मतलब इसके अंदर अपने क्लॉटिंग फैक्टर्स है, एंटी ऑफ एंटी कोएगुलेंट ट्रीटेड ब्लड, क्या लिखा है मैंने, सेल फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ एंटी कोएगुलेंट ट्रीटेड ब्लड। कहने का मतलब प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो रहते हैं ना, जो भी अपने क्लॉटिंग फैक्टर्स जो मतलब कोएगुलेशन करते हैं, वो सारी प्रोटीन्स प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। अगर प्लाज्मा में से मैं ये प्रोटीन्स निकाल दूँ, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये जो भी क्लॉटिंग प्रोटीन्स है वो निकाल देता हूँ, तो जो अब आपको मिलता है उसे कहते हैं सीरम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, डिफरेंस जनरली पूछेंगे आपसे, ये भी आप ट्वेल्थ में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब सीरम इज द पोर्शन ऑफ द ब्लड आफ्टर कोएगुलेशन इज कंप्लीट, कंप्लीट हो गया मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो चुके, ठीक है। एंड कहने का मतलब इट इज अ प्लाज्मा विदाउट द प्रोटीन्स दैट आर यूज्ड इन कोएगुलेशन, सिंपल सी बात ये है। तो अगर अपन प्लाज्मा की बात करें तो आपको मालूम होगा लाइट येलो इन कलर होगा, ठीक है, लाइट येलो इन कलर होगा। बहुत ज्यादा ही लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, इनको बाद में वीडियो के बाद डांटा जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है अपना लाइट येलो इन कलर होता है, आपने प्लाज्मा अभी तक देख लिया होगा आई थिंक सो। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को मतलब मेजर करना कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, ग्लूकोज का लेवल क्या है, प्रोटीन्स का लेवल क्या है, तो आपको प्लाज्मा दिया जाता है। तो आपने देखा होगा वो लाइट येलो इन कलर रहता है, और एक्चुअली प्लाज्मा के अंदर सब कुछ अपना, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, शुगर्स, लिपिड्स, विटामिंस, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, जो बोलो वो सारी चीजें प्लाज्मा में ही है, क्योंकि प्लाज्मा इन तीनों को हटाने के बाद जो बचता है वो प्लाज्मा है, तो बाकी सब जो होगा तो प्लाज्मा के अंदर ही, ठीक है ना, बेसिक सी बात है। तो ये था अपना प्लाज्मा। एक टॉपिक है इसके अंदर प्लाज्मा फ्रेसिस। अब प्लाज्मा फ्रेसिस नाम से पता पड़ रहा है कि कोई कुछ प्लाज्मा से ही रिलेटेड बात होने वाली है, तो अपन देखते हैं प्लाज्मा फ्रेसिस क्या होता है। तो एक्चुअली प्लाज्मा फ्रेसिस क्या होता है, प्लाज्मा फ्रेसिस का मतलब होता है कि प्लाज्मा को निकालना आरबीसी को डिस्टर्ब करे बिना। कहने का मतलब अगर अपन ने मान लो किसी का ब्लड निकाला, ठीक है, उस ब्लड में से अपन आरबीसी को सेपरेट कर लिया और आरबीसी को वापस उस बंदे की बॉडी में डाल दिया, तो जो अपने पास बचा वो क्या रहा, प्लाज्मा। मतलब सामने वाले की बॉडी का आरबीसी ये जो सेल्स है वो कुछ लॉस नहीं हुए, लेकिन अपन ने प्लाज्मा ले लिया। कहने का मतलब प्लाज्मा फ्रेसिस इज अ प्रोसेस, ये एक्चुअली एक प्रोसेस है, ठीक है, इन विच प्लाज्मा कैन बी रिमूव फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर से प्लाज्मा मतलब हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द ब्लड विदाउट रिमूविंग आरबीसी।
ठीक है। तो बिना आरबीसी को निकाले अपन ने प्लाज्मा निकाले, कहने का मतलब मैंने बताया ना आरबीसी निकलते हैं बट अपन उसको वापस से अलग करके सेपरेट करके वापस कोई बॉडी में डाल देते हैं और अपना प्लाज्मा ले लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मा फ्रेसिस। अब एक्चुअली आप खुद ही सोचो ना ये प्रोसेस कब काम आएगा, जब अपन को प्लाज्मा एक्चुअली अपन कर क्या रहे प्लाज्मा निकाल रहे, इसका मतलब ये प्रोसेस कब काम आएगा जब प्लाज्मा में जो चीज है वो ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस थिंक कि प्लाज्मा प्रोटीन, अब प्लाज्मा के अंदर क्या अपना प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हो गए ठीक है। तो ब्लड के अंदर मान लो प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज्यादा हो गए और जिसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ गई ठीक है। अब विस्कोसिटी बढ़ गई तो अब अपना काम क्या है, इस प्लाज्मा को रिमूव करना ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को रिमूव करना। और इस प्लाज्मा प्रोटीन्स को रिमूव करने का क्या मतलब है, प्लाज्मा निकाल लो तो प्लाज्मा प्रोटीन्स अपना आ जाएंगे। तो इन केसेस के लिए अपन करते हैं प्लाज्मा फ्रेसिस। कभी कभी एंटीबॉडीज जो जरूरत नहीं होती, कुछ मान लो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बनी हुई है जिसकी अपन को जरूरत नहीं है, कुछ एंटीबॉडीज अपन नहीं चाहते बॉडी में रहे वो निकलनी चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे प्लाज्मा निकालेंगे ठीक है। बाकी सब जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स है वो वापस अंदर चले जाएंगे। तो दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू से कि प्लाज्मा फ्रेसिस एक तो जब ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाए तब कर सकते हैं, एंटीबॉडीज जो मतलब कोई काम की एंटीबॉडीज नहीं है, मतलब सर्टेन एंटीबॉडीज विच शुड नॉट बी इन द ब्लड उसको निकालना, तो अपन प्लाज्मा फ्रेसिस कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा फ्रेसिस। अब अपन देखते हैं कि विप्पल्स एक्सपेरिमेंट क्या था ठीक है। तो एक विप्पल एक साइंटिस्ट था ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये बताने के लिए कि जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं ना, अब देखो समझो क्या हो रहा है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स है तो प्लाज्मा प्रोटीन्स बने तो अमीनो एसिड से ही है ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स वापस टूट भी तो सकते हैं ठीक है, कभी कहीं अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ी तो प्लाज्मा प्रोटीन्स टूट जाएंगे ठीक है और वो अमीनो एसिड्स पहुंचा देंगे ठीक है। दिस इज द थिंग, इतनी बात समझ में आती है, आती होगी ठीक है ना। तो ये इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्लाज्मा प्रोटीन टूट सकते हैं। अब इस विप्पल ने क्या किया, इसने क्या किया, एक डॉग लिया जिसके अंदर प्लाज्मा फ्रेसिस करी, मतलब उसका प्लाज्मा का लेवल कम कर दिया उसकी बॉडी के अंदर ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पे एक स्टैंडर्ड प्लाज्मा डिप्लीटेड डॉग उसने लिया, ये अपन उसका एक्सपेरिमेंट देख रहे ठीक है। और उस बंदे का क्या टारगेट था, एक्चुअली उसको ये जानना था कि बॉडी में कब कितना प्रोटीन रिजर्व है ठीक है ना। तो प्रोटीन रिजर्व जो है वो कितना है, मतलब वो कब एग्जॉस्ट होगा, मतलब कब खत्म होगा ठीक है, और खत्म अगर होता है ठीक है तो कितनी जल्दी बन जाता है ठीक है ना, रेट ऑफ रीजनरेशन। तो इन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसने एक एक्सपेरिमेंट किया ठीक है। अब वही एक्सपेरिमेंट के अपने को बहुत सारे फायदे भी देखने को मिलते हैं। अब देखो कैसे, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि क्या लेवल रहा प्रोटीन का ठीक है, और फिर अपन ने मतलब ये क्या लेवल रहा प्रोटीन का, फिर क्या ऑब्जर्वेशन हुई ठीक है, और फिर अपन लिखेंगे कि कंक्लूजन क्या रहा ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको एक बात बता दूं, जो बेसिकली अपना जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है ठीक है ना, उसका नॉर्मल लेवल होता है 6.5 to 8.5 एवरेज मिलीग्राम सॉरी ग्राम पर डेसीलीटर ठीक है। 6.5 to 8.5 अपना नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल है ठीक है ना, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल। तो ये अपना बेसिक लेवल रहता है, एवरेज अपन देखा जाए तो 7.5 के अराउंड रहता है ठीक है। अगर मैं इस प्लाज्मा प्रोटीन को अचानक से 4 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर पे ला दूं ठीक है, तो मेरे को ये देखना है कि बॉडी में क्या क्या चीजें होगी ठीक है ना, बॉडी में क्या अपन को क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, कंक्लूजन क्या मिलेगा। यही तो वो विप्पल कर रहा था, उस डॉग के अंदर वो प्लाज्मा कम कर रहा था एक तरीके से, उसने अचानक से प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल को 4 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर पर लाके रख दिया। तो वो देखना चाहता था उस डॉग में कैसे कंपेंसेटरी मैकेनिजम्स आते हैं ठीक है। तो हुआ क्या, ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखी कि जैसे 15 मिनट बाद कुछ वापस से वो प्लाज्मा प्रोटीन्स धीरे धीरे बढ़ने लग गए, मतलब मोबिलाइजेशन होने लगा प्लाज्मा प्रोटीन्स का ठीक है। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन होने लगा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स का, और उसने ये देखा कि अराउंड 7 दिन बाद ठीक है ना, 2 to 7 days ठीक है, डिपेंड करता है कि बंदा क्या खा रहा है, कैसा उसकी डाइट है। तो 2 to 7 days बाद उसने ये देखा कि वापस से सारा लेवल जो प्लाज्मा प्रोटीन का है वो नॉर्मल हो गया ठीक है, मतलब डिपेंड ऑन डाइट कि उस डाइट में कितना एसेंशियल अपना अमीनो एसिड्स है जिसकी वजह से अपना वापस से बन जाए। तो कहने का मतलब जब उसने इतना सडनली इतने लेवल पे कर दिया प्लाज्मा प्रोटीन, तो फटाफट और प्लाज्मा प्रोटीन्स आने लग गए ब्लड के अंदर ठीक है, उसको वापस से बनाने के लिए ठीक है। तो और कंक्लूजन उसने क्या दिया कि उसने ये कहा कि हो ये रहा है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन ऐसे अचानक से आ गए उन प्रोटीन्स का नाम दिया लेबाइल रिजर्व प्रोटीन्स,
कहने का मतलब ये वो प्रोटीन है, लेबाइल मतलब मोबालाइज हो सके, इजीली अवेलेबल है, तो जैसे रिजर्व मतलब ऑलरेडी अपने पास एक्स्ट्रा पड़े, तो कहने का मतलब जैसे ही अपना लेवल कम होगा तो ये प्रोटीन्स आ जाएंगे और फटाफट हेल्प करेंगे, मतलब अपनी बॉडी में वापस प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल सही करेंगे। क्यों? अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल कम हो गया तो क्या दिक्कत आएगी? ईडीमा हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, कि अगली वीडियो अपनी रहेगी प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर, कि उस प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा। तो अपना प्लाज्मा प्रोटीन का बेसिकली देखा जाए तो मैं आपको अभी ये बताना चाह रहा हूं कि वो लेवल सेम होना चाहिए। तो उस लेवल को सेम करने के लिए जो प्रोटीन्स आए थे वो थे लेबाइल रिजर्व प्रोटीन्स, उनका नाम ये रखा गया, ठीक है। तो अब जैसे ये केस को अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं कि मान लो क्या कहते हैं, मान लो कि अगर अचानक से डिक्रीज हो गए प्लाज्मा प्रोटीन्स, जैसे कि कुछ कंडीशन हिमरेज, बहुत ज़्यादा कहीं खून बह गया तो भी प्लाज्मा प्रोटीन अचानक से कम हो गए, बर्न्स, जब अपने बर्न हो जाता है ना, जल जाता है अपना हाथ पैर कुछ ज़्यादा, तब भी प्लाज्मा प्रोटीन डिप्लीट होता है, ठीक है ना। तो इन केसेस के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अब अपन ने यहाँ देखा कि ये अपन मेडिकली बात कर रही है, उसका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जो अब मैं लिख रहा हूँ वो मेडिकली बात कर रहे हैं। तो मोबिलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन हो रहा था, तो ये एक्चुअली प्लाज्मा प्रोटीन आ कहाँ से रहे? ये आ रहे लिवर से, ठीक है, मैक्रोफेज सिस्टम, ठीक है ना, वहाँ पे ऑलरेडी जैसे लिवर में अपने ऑलरेडी अमीनो एसिड्स बने हुए, प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑलरेडी बने हुए, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स बनते कहाँ हैं? लिवर में। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में छोटी छोटी बातें ये अपन अगली वीडियो में देखेंगे, अभी आप इसके एक्सपेरिमेंट को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको मेडिकली बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, और इस तरीके से अपने लेबाइल रिजर्व प्रोटीन बने। अब उसको क्या हुआ? शांति नहीं हुई, उसको बोला मज़ा नहीं आया, है ना, उसको क्या हुआ? मज़ा नहीं आया। तो उसने क्या किया? और प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल को कम किया, ये जानने के लिए कि अब क्या होता है, ठीक है, कब तक क्या क्या होता है उसको जानते ही रहना है, ठीक है। तो अब उसने लेवल को कर दिया 4 ग्राम पर डेसीलीटर पे ला करके रख दिया। अब वो देखना चाहता था कि अब क्या होता है। तो उसने ये पाया कि अब प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ ही नहीं रहे, कि पहले तो बढ़ गए थे क्योंकि लेबल प्रोटीन रिजर्व था अपने पास, ऑलरेडी प्लाज्मा प्रोटीन बने हुए थे, बट अब बढ़ ही नहीं रहे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो एक्चुअली उसने ये ऑब्जर्व किया कि एग्जॉशन ऑफ प्रोटीन अकर, कि भाई प्रोटीन खत्म हो गए, ठीक है, और जो बाद में बहुत स्लोली धीरे धीरे जो बढ़ रहे थे, उन्होंने इसने उस प्रोटीन का नाम रखा डिस्पेंसेबल रिजर्व प्रोटीन्स। इसका मतलब ये प्रोटीन वैसे निकलने नहीं चाहिए थे, बट अब कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि अब बॉडी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब वो ये प्रोटीन निकालती है। तो एक्चुअली अब अगर अपन मेडिकली देखें तो क्या हो रहा है, जैसे अपन ने इस लेवल तक चीजों को गिरा दिया, ठीक है ना, तो ये जनरली केस देखने को मिलता है स्टारवेशन, कि भाई भुखमरी छाई हुई है, बंदा खा ही नहीं रहा कुछ, या कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा, ठीक है, माल न्यूट्रिशन। तो उन केसेस में ऐसा होता है कि डिस्पेंसेबल रिजर्व प्रोटीन्स निकलते हैं। एक्चुअली डिस्पेंसेबल रिजर्व प्रोटीन्स कहां से आ रहे? स्केलेटल मसल से, कि भाई अब बॉडी में प्रोटीन्स है नहीं, ठीक है, तो अब स्केलेटल मसल प्रोटीन देगी, ठीक है, और वो प्रोटीन फिर एक्चुअली मतलब अमीनो एसिड्स में टूट करके प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाएंगे, जिससे बॉडी का मेंटेनेंस बना रहे, बॉडी नॉर्मल कंडीशन में रहे, ठीक है। अब उस बंदे को अभी भी मज़ा नहीं आया, वो डॉग पे एक्सपेरिमेंट कर ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। अब उसने देखा कि अगर मैं लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर पे ला देता हूँ, ठीक है, अरे यार है ना, हाँ ठीक है, लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर पर अगर मैं ला देता प्रोटीन्स को तो क्या होगा? तब उसने ये ऑब्जर्व किया कि अचानक से प्रोटीन शॉक हो गया, प्रोटीन शॉक मतलब सडन प्रोटीन डिक्रीज हो गया, एंड उस एनिमल की डेथ हो गई जो डॉग था, ठीक है। तो अब उसने इन प्रोटीन्स, क्योंकि बॉडी में ऐसा तो है नहीं कि प्रोटीन्स है ही नहीं, ठीक है ना, प्रोटीन्स तो अभी भी है, जो फिर प्रोटीन्स अभी भी नहीं आए, मतलब इंसान की डेथ हो गई, मतलब जानवर की उसकी डेथ भी हो गई तो भी नहीं आए वो डॉग की डेथ के बाद भी, उन प्रोटीन्स का नाम इसने रखा फिक्स्ड सेल प्रोटीन्स, मतलब वो प्रोटीन निकलेंगे ही नहीं, फिक्स्ड सेल प्रोटीन्स, और कह सकते हैं इंडिस्पेंसेबल प्रोटीन्स, भले कुछ भी हो जाए ये प्रोटीन नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर ये निकल गए तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। कैसे? अगर अपन वापस मेडिकली में मेडिकल टर्म्स में बात करूँ तो ये वो प्रोटीन है जो एसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब सारी चीज़ें थोड़ी निकल के आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स की जरूरत हर जगह है, तो ये कुछ एसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी में लगे हुए और इनका कोई रोल नहीं है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स में, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये था विप्पल का एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट आ गया होगा समझ में कि उसने एक बार के लिए ये 4 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर पर रखा, फिर ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन लिए, तो इस तरीके से। हालांकि एक्सपेरिमेंट कभी पूछा नहीं गया है, बट आपको रिलेटेड मैं आपको मतलब एक जानकारी दे रहा था कि अगर हिमरेज बर्न्स होता तो कैसे बॉडी एक्ट कर रही है, कौन से प्रोटीन्स निकल रहे हैं, उन प्रोटीन्स को कहते हैं लेबल रिजर्व प्रोटीन। अगर स्टारवेशन माल न्यूट्रिशन हो रहा है, 4 ग्राम से नीचे चले गई बात, तो डिस्पेंसेबल रिजर्व प्रोटीन, तो इस तरीके की बात थी। तो बहुत बेसिक वीडियो थी, इंट्रोडक्शन था, और अब अपने अगली वीडियो से अपनी मतलब अच्छी सी फील के साथ पढ़ेंगे, बट ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और ठीक है यार, फिर और यार प्लीज़ यार चैनल को शेयर करना, ठीक है, स्टार्ट हो गया, हालांकि अभी आप लोग नहीं करोगे, अभी आप लोग टेस्ट कर रहे होंगे मेरे को कि ये बंदे में कुछ दम है भी कि नहीं, ये हमें पढ़ा पाएगा कि नहीं। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे चैनल से पढ़ने में, बहुत खुश होकर आप पढ़ोगे, और एट लास्ट आप लोग मुझे खुद बहुत ज़्यादा थैंक्स कहोगे कि इतना अच्छा पढ़ाए फिजियोलॉजी, क्योंकि यार ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फिजियोलॉजी आपकी पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ये सब चीज़ें बनाएगी आगे जाके, तो इस वजह से आप मेरे पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। हालांकि टेस्ट करने के लिए आप लोग आगे वीडियो को देखेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।